सर्वसम्मानित आचार्य स्वरूप पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, संगठन और सेवा और निष्ठा की स्थविर प्रतिमा प्रेरणामय आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी, पांडित्य के अनस्त पूर्ण चंद्र समान डॉक्टर करण सिंह, काल के क्रम से अविचलित निष्ठा की प्रतिमा श्री मोतीलाल जी, सुप्रिय श्री मुकुल वासनिक, मेरी अग्रजा सभागार में श्रीमती तारा भट्टाचार्य जी, आदरणीय श्रीमती गुरुशरण कौर जी, मेरी पत्नी श्रीमती तारा गांधी, मित्रों, कुछ क्षण बोलने वाला हूं, पर उससे पहले एक चीज कह दूं। डॉक्टर करण सिंह ने उल्लेख किया कि मैं किसका पौत्र हूं। जो भी ईश्वर अल्लाह तेरे नाम में मानता है वो महात्मा गांधी की संतान है। हम आज ऐसे इंसान की याद में यहाँ जमा हुए हैं जिसने बचपन से सरकार के शामियानों को जाना था, अधिकार की कनात को भी जाना था, लेकिन वह इंसान कुछ अपने में ही रहता था और उसी अपनेपन की वजह से वह राज की तंग छतों को लांघते हुए खुले आसमान में उड़ रहा था। उसने सत्ता की कोठियों को ढूंढा नहीं, बादल उसके घर थे। कुर्सी की तरफ घूमकर उसने देखा नहीं, सितारों की गोद में वह पलता था। अपनी अर्धांगनी के साथ उसने चांदनी की ओढ़नी बुनी थी। तकदीर ने उसको धरती में ले आना चाहा, उसको तख्त सौंपा, ताज पहनाया, साथ ही देश के लिए एक बड़ी आधुनिक गतिशील तस्वीर दी और देशवासियों के लिए उसके दिल में सद्भावना दी। राजीव गांधी के लिए सद्भावना कोई राजनीतिक तरकीब नहीं थी, वह कोई युक्ति या रणनीति नहीं थी, वह उनके मनोभाव में बसी थी, उनके नस्ल में, उनकी सिफत में थी। राजनीति में रहते हुए विरोध की राजीव गांधी को पहचान हुई, विरोध का सामना किया और खुद भी विरोध किया, पर दुश्मनी से वे बहुत दूर थे। विरोध एक बात होती है, दुश्मनी एक और बात होती है। विसम्मति, डिसेंट एक बात होती है, देशद्रोह एक और बात होती है। दुश्मनी वो करते हैं जो प्यार में अपना मौका देखते हैं और प्यार से सौदा करते हैं, तू आ मेरे साथ या तू हट मुझसे परे। दोस्ती वो निभाते हैं जो सहज प्यार में कुदरत देखते हैं, इंसानियत देखते हैं, प्यार की तकसीम नहीं, प्यार का गुणन, उसका जर्ब करते हैं। सद्भावना का छरछरा मतलब है
गुडविल, अंग्रेजी में गहरा मतलब है हार्मनी. बट वॉट काइंड ऑफ हार्मनी? वी आर नाउ पास्ट द प्लैटिट्यूड्स ऑफ हार्मनी. वी आर पास्ट द क्लीशेज ऑफ सद्भावना. टुडे हार्मनी और सद्भावना इज मच मोर देन आपस में सब भाई भाई. दैट ओल्ड थॉट इज वेल नोन टू एवरी इंडियन. सुर मिलाने हैं हमें आज भी, लेकिन कैसे और कौन से सुर? हाँ में हाँ मिलाने वाले सुर नहीं, जी हुजूरी ठकुर सुहाती के सुर नहीं, जी हाँ जी बिल्कुल वाले डर के सुर नहीं, डर से डबे हुए कोमल गंधार में नहीं, पर उन स्वरों में जो अच्छे को अच्छा कहने में कोमल हों पर बुरे को बुरा कहने में तीव्र हों. टुडे हार्मनी डज नॉट एंड कैन नॉट मीन एक्विएसिंग विथ पावर, एरोगेंट पावर. हार्मनी कैन नॉट कम टू टर्म्स विद द डिस्कॉर्डेंट, द ग्रेटिंग एंड द कैकोफोनस. इट मस्ट मीन सेइंग एवरी नाउ एंड देन अ वर्ड, अ सिलेबल, अ नोट टू पावर, ऑफ एन एरोगेंट पावर. And harmony must also mean taking the truth to the people who know it in their own way already. And before we can tell them, they will tell us. Sajan re jhoot mat bolo, khuda ke paas jana hai. There can be no greater harmony than in the notes of truth uttered without sanctimony and with courage. सद्भावना सिखाती है, और ये एक कड़वी सीख है. सद्भावना सिखाती है, झूठे हर जगह में मिलेंगे, अपनों में भी. सच्चे हर जगह मिलेंगे, बैरों में भी. अगर अपनों में से कोई गलत काम करे तो हमें उसको टोकना चाहिए. अगर बैरों में कोई सही काम करे तो उसको सराहना चाहिए. और तो और, खुद से गलती हो जावे तो उसको कबूल कर दुरुस्त करना चाहिए. आई मस्ट से टुडे दैट डॉक्टर मनमोहन सिंह्स वर्ड ऑफ अपॉलॉजी इन पार्लियामेंट एट व्हाट हैपन्ड इन 1984 इज अ रिमार्केबल अशोकन एग्जाम्पल ऑफ रिमोर्स एंड अटोनमेंट. एंड आई सल्यूट यू सर. गांधी नेहरू से यही सीखा है हमने, जयप्रकाश नारायण से भी यही सीखा है हमने. यही सद्भावना है. जब जवाहरलाल जी का निधन हुआ तब राजा जी, जो तब उनका विरोध कर रहे थे विपक्ष से, राजा जी बोले, ही वॉज द मोस्ट सिविलाइज्ड वन ऑफ अस. अटल जी का दिया हुआ तब का संदेश सबसे मर्मस्पर्शी था. दलितों का सहारा आज छूट गया, ही सेड. सद्भावना आसान नहीं होती, उसमें भोलापन नहीं है, सद्भावना में बड़प्पन है. उसका स्वाभिमान उसके ईमान में है. हिंदुस्तान की खूबी यही है कि उसको यहाँ बहलाया जा सकता है, वहाँ बहकाया जा सकता है, पर उसके निज को, उसके अंतस को, उसकी आत्मा को कोई झुठला नहीं सकता. हिंदुस्तान की काशी में फजर और उसके बनारस में सुप्रभात होता है. हिंदुस्तान प्रयाग का इस्तेमाल करता है और इलाहाबाद का प्रयोग अपनी सद्भावना के साथ एक ही सांस में. When Gandhi sang Ishwar Allah Tere Naam, he was giving us the keys to harmony, spiritual, political, civilizational. And he was not doing so piously, he was doing so bravely, courting risk. Uttering those words when bigotry was around in the shape of knives, bludgeons and bullets required guts.
So harmony also means guts, non-violent, non-compromising guts in the fight on behalf of the weak, the assaulted, the ghettoized, the despised, the whipped, cuffed, kicked, lynched, the shot at. And harmony also means being together in the face of challenges as in natural disasters. The floods in Kerala have shaken us, but they have also shown us the power of spontaneous sadbhavana, which is India. Likewise, terror, diabolically driven armed terror, stuns us. The state moves reflexively to stop its destructive power, but so must we, civil society, respond by defeating what Srimati Sonia Gandhi described as divisive power and polarization. All who are opposed to zabardasti, to bigotry, to the cult of fear and hate, to the centralization of power, to the nexus of big power and big money, need to work together. That means, aur yah bhi ek kadwa sach hai, that means shedding personal and institutional egos. The larger entity, be it the bigger leader, the bigger party, or the larger community, is expected to make the larger gesture. Obliging a friend by denying a sister or a brother is not easy. It is in fact painful. But as Lal Bahadur Shastri once said, Desh ke liye jab havan hota hai, tab bade haath ko badi ahuti deni padti hai. Accepting with humility and gratitude the Rajiv Gandhi Sadbhavana Puraskar today, I envision the democratic parties and movements of India, in the wisdom of their dynamism, harmonizing their strengths to meet the challenge of harmony's opposite, suspicion, bigotry, and violence. Dosto, nafrat ke zabar ka mukabila sadbhavana ke zarb se hame karna ho.